किचन में। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बनाते हैं आज पनीर की सब्जी। बिना लहसुन प्याज का पनीर की सब्जी बनाएंगे। 3 चम्मच हम सरसों का तेल लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिए हैं। जीरा हमारा चटक गया है तो अब मैं इसमें 1 लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च डालूंगी और इसके बाद 3 तेज़पत्ता डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम। और उसके बाद हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं इसमें। सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और ये है धनिया पाउडर, हमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच हमें मिक्स मसाला डालना है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुकूल डालिएगा। इन सारे मसालों को तेल में अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। 1-2 टमाटर, 5 से 6 काजू को पेस्ट बना लिए हैं, इसको हम डाल दिए हैं। और उसके स्वाद अनुसार नमक डालना है और सेंधा नमक डालना है, व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सेंधा नमक डालना है। तो अच्छे तरीके से मसालों को हम भून लेंगे। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मसाला भी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम पनीर को ऐड करेंगे। तो देखिए पनीर है और अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिए और थोड़ी सी पानी को ऐड करके अच्छे तरीके से इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए उबाल आ गया है, हमारा ये पनीर का सब्जी तैयार हो चुका है। तो मैं दूसरे बर्तन में इसे निकाल लूँगी। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी लाजवाब है। तो आप भी बनाइए इस तरीके के रेसिपी और ये पनीर की सब्जी ज़रूर बनाइए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, जैसा शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यूं ही प्यार अपना देते रहें। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।